सद्भावना फाउंडेशन बनासकांठा एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मित्रों आज हमने पालमपुर से गोकुलधाम सोसाइटी है, मित्रों मेरे घर के पास से ही हमने आज एक कोबरा स्नेक का रेस्क्यू किया हुआ है और इसको हम अभी बालाराम फॉरेस्ट एरिया जो रिवर है यहाँ पे हम रिलीज करने के लिए मित्रों आए हुए हैं। साथियों वन्य जीव अधिनियम की धारा 1972 के तहत यह सूचित किया गया है कि कोई भी वन्य प्राणी पक्षी एवं सरीसृप को पाल के रखना, इसको हैरान करना या परेशान करना यह कानूनी अपराध माना जाता है दोस्तों। तो ऐसा कार्य करने वाले लोग पे सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है और जेल भी हो सकती है और दंड भी हो सकता है दोस्तों। सांप कभी ऐसे काटता नहीं है, जब भी आपका गलती से हाथ या पैर सांप पे पड़ जाएगा तभी मित्रों सांप अपने बचाव के लिए काटता है, नहीं तो मित्रों सांप कभी ऐसे काटता नहीं है। मित्रों ये जो इंडिया में चार प्रकार के जहरीले स्नेक पाए जाते हैं इसमें से एक जहरीला स्नेक है, इसको हम इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जान सकते हैं, इंग्लिश में हिंदी में नाग नाम से जान सकते हैं और गुजराती में हम जो गोगा महाराज के नाम से पूछते हैं वही स्नेक है मित्रों। इसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का वेनम पाया जाता है मित्रों। दोस्तों ये सांप कभी आपको काट ले तो आपको कोई मंत्र तंत्र में ना रहे, आपके नजदीक के सरकारी अस्पताल में चले जाए मित्रों, वहां को आपको एंटीवेनम नाम की दवा मिल जाएगी और आपको सर्वर भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों तो अभी हम स्नेक को ज्यादा परेशान नहीं करते, तुरंत ही फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे हम रिलीज कर देते हैं मित्रों। दोस्तों ये जंगल एरिया है पूरा, ये रिवर है। चलिए मित्रों तो अभी हम स्नेक को यहाँ पे रिलीज करते हैं। चलिए दोस्तों अभी हमने स्नेक को पर्यावरण में आजाद कर दिया है और साहब अभी इसके पर्यावरण में चला गया है मित्रों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। और मित्रों आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे और भी वीडियो देखने को मिलेंगे। चलिए मित्रों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।